कभी दुराम बनकर आया। मार कर एक तीर मेरे पेट में, सोचा हो गया राम राज्य? बता कहाँ है तेरा राम राज्य? राजनीति क्या खूटे से बंदा पूछ हिला रहा है? कभी तू कृष्ण बनकर आया, सारथी बना हक्का और नाम रोशन किया मेरे कुल का। देख देख महाभारत के अंदर धृतराष्ट्र की फौज, और बता मुझे कहाँ है युधिष्ठिर, कहाँ है अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव? चारों तरफ दुर्योधन ही दुर्योधन है, दुर्योधन ही दुर्योधन। आयोजित 4 दिवसीय यूथ फेस्टिवल में हांसी के SD महिला कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और 40 इवेंट में से 31 इवेंट्स में छात्राओं ने भाग लिया, और जिसमें से 9 छात्राओं ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइजेस जीते हैं। एक छात्रा एकल गायन, क्लासिकल एकल गायन में फर्स्ट रही है, जो आगे इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में जाएगी, और उसी ने सेकेंड प्राइज भी लिया है रागनी गायन में। 9 छात्राओं को कॉलेज की तरफ से प्राचार्य डॉक्टर सुरेश गुप्ता व अन्य कन्वीनर्स ने उन्हें प्राइज देकर सम्मानित किया। आज मैं फिर से खड़ा हूँ एक वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन SD महाविद्यालय, SD कॉलेज ऑफ वीमेन कॉलेज में, जहाँ हाल ही में 3 दिन का 4 दिन का यूथ फेस्ट से लड़कियाँ लौट के आई हैं। एक एक का परिचय करा दूं। मिस्टर गोल्डी मेरे परम मित्र हैं, क्लासमेट भी रहे हैं, और USA तक बच्चियों को लेके गए हैं, और यूनिवर्सिटी में म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर भी रहे हैं। ऑनरेबल डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी, डॉक्टर गीता दैया जी, कन्वीनर रही जो यूथ फेस्टिवल की, यहाँ इस कॉलेज की बच्चियाँ जिन्होंने तैयार की, नीलिमा जी, राजबाला जी, मधु कक्कड़ जी, आप सब अपना नाम बताएंगे क्या है? डॉक्टर सविता मलिक। बच्चियाँ तालियां बजाइएगा अपने लिए। इतने भी कौन कह हम बजाने के लिए, दिल मोर की तरह मचलना चाहिए, और आपकी तालियां फिर से बजनी चाहिए। धन्यवाद। किसी कॉलेज की पहचान उसकी बच्चों की हॉलिस्टिक पर्सनालिटी पे डिपेंड करती है। आप जैसे कि प्रिंसिपल साहब से मैं जानूंगा, सर यूथ फेस्ट में आपकी बच्चियां, अगर मैं अतीत में झाक के देखूं तो बहुत दूर तक गई हैं, गोल्डी जी उस बात की साक्षी रहे हैं, और इस बार 4 दिन का GJU में युवा महोत्सव रहा, कितनी बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया हुआ? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, जिसके तत्वाधान में हमारा 10th यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल 29, 30 नवंबर व 1 व 2 दिसंबर को किया गया, जिसके तत्वाधान में महाविद्यालय SD महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने 40 इवेंट्स हमारे को दिए गए थे यूनिवर्सिटी की ओर से। हमारा 31 के अंदर 31 के अंदर हमारे स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन थी, और महाविद्यालय को इस फेस्टिवल में 9 प्राइजेज हमारे को मिले हैं, और बेस्ट स्टूडेंट भी हमारी सिलेक्ट हुई है। एक तरह से लड़की हमारी फर्स्ट ईयर के 1 एक्ट प्ले में लक्ष्मी, और बेस्ट एक्टर सॉरी लक्ष्मी, और एक लड़की गायन में रही है सिमरन, जिसके 4 प्राइजी रहे हैं। मैं सभी छात्राओं को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद साहब, कामनाएं देता हूँ। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ प्राचार्य के रूप में, क्योंकि बच्चों की, मैं प्राचार्य के रूप में ये मेरा मानना है, पार्टिसिपेशन अति आवश्यक है। ये पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का, बच्चे में कॉन्फिडेंस का पार्ट है, क्योंकि पार्टिसिपेशन अगर बच्चे की होगी तो एकेडमिक के साथ। धन्यवाद साहब, धन्यवाद साहब, धन्यवाद साहब। गोल्डी जी, अपना जमाना हुआ करता था जब हम यूथ फेस्ट में जाते थे, और मुझे ध्यान है डॉक्टर दैया, जब हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक प्ले लेके गए थे गवर्नमेंट कॉलेज से, तो वहाँ एक बुजुर्ग से रिटायर्ड प्रिंसिपल सीटी बजा रहे थे जब गर्ल्स प्ले कर रही थी, तो किसी ने पूछ लिया, बुजुर्ग हो के सीटी बजा रहे हो? बोला, कुकर अगर पुराना हो जाए क्या वो सीटी बजाना छोड़ देता है? तो आपके वहाँ प्ले पे भी किसी बुजुर्ग
रिटायर्ड प्रिंसिपल ने या मेरे जैसे बुजुर्ग ने सीटी जरूर बजाई होंगी ना। yes, चलो आप एक खूबसूरत एडिटोरियम और ओपन एयर थिएटर के अंदर भी आप प्रोग्राम करके आई हैं। मैं गोली जी से जानूंगा, आप तो USSR भी गए हैं बच्चियों को लेकर, इसी महाविद्यालय की बच्चियों को लेकर। हाँ जी, इनको ट्रेन करने में कितना आनंद की अनुभूति हुई और कितना मशक्कत करनी पड़ी? राजीव जी, ब्रीफ में चाहूँगा मैं आपसे। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। और इन बच्चों को तैयार करने में जो आत्मिक शांति मिलती है वो शायद प्रभु सिमरन में मिलती है। बहुत बहुत बड़ी, यानी कि गागर में सागर भर दिया आपने तो। डॉक्टर दहिया, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। थैंक यू। तो आप वहाँ पार्टिसिपेट गई थी या एज ए कन्वीनर गई थी? एज ए कन्वीनर। कन्वीनर ओनली, स्टूडेंट्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट। लेकिन यू आर लुकिंग टेंडर देन योर कन्वीनर। मेंटेनेंस अच्छी है सर। देखिए मैडम की फिजिक देख के बोल रहा हूँ, आई एम गिविंग कॉम्प्लीमेंट टू यू, नॉट ड्रैगिंग। बताइए कि आप एज ए कन्वीनर, नीलिमा साथ ही खड़ी हैं जी, तो आपकी बच्चियों ने पार्टिसिपेशन किया है कितने इवेंट्स में? 31 इवेंट्स हमारे थे टोटल। हमारे कल्चरल, एकेडमिक्स और कमर्शियल आर्ट के इवेंट्स थे जिसमें पार्टिसिपेट किया बच्चों ने। अगर हम कल्चरल में कहें तो डांस में, डांस जनरल और हरियाणवी ग्रुप, सोलो, स्किट, वन एक्ट प्ले, इनमें और कोरियोग्राफी, ये हमारे कल्चरल में रहे। म्यूज़िक के बहुत सारे आइटम्स थे हमारे, और कमर्शियल आर्ट में मेहंदी, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी। मैं चाहूँगा कि फर्स्ट आइटम के बारे में ज़रा आप मुझे ब्रीफ कर दें। जो हमारा फर्स्ट आइटम रहा वो रहा क्लासिकल वोकल सोलो, जिसमें हम क्लासिकल वोकल सोलो सिमरन का रहा। सिमरन आइए बेटा, सिमरन आइए, क्योंकि ये दिखने चाहिए ये चेहरा, इन्होंने बहुत सारे प्राइजेस लिए हैं। सेकंड हमारा इन्हीं का है, लाइट इंडियन वोकल सोलो। अच्छा, ये सेकंड प्राइज। फोक सॉन्ग हरियाणवी सोलो, जिसको रागनी कह सकते हैं हम, उसमें सेकंड रहा। फोक सॉन्ग जनरल सोलो, उसमें भी इनका सेकंड रहा। तो सोलो के चार प्राइजेस। आपने क्लासिकल गाया? हाँ जी सर। मुझे बहुत ध्यान आ गई कि एक क्लासिकल सिंगर गा रहा था, मैं पिया मिलन को जाना। क्लासिकल गायकी में एक लाइन को ना 5 बार दोहराया जाता है, ऐसा ही है क्या? मैं पिया मिलन को जाना, मैं पिया मिलन, मैं पिया मिलन को जाना, उसमें 10 बार ही दोहरा दी। बीच में से एक लड़की थी एक गांव की, बोला इतनी देर में तो मिलकर भी उल्टी आ ले अरिजीत लगा ले। तो आपने कितनी बार दोहराई? बड़ी सहजता से चलते हैं ना, बड़े सहजता से, सब्र के साथ। थोड़ी आसना है, जल्दी मिलके आएगी, वो टेम्परेरी काम रहेगा सर। फिर वो जो धीरे धीरे इत्मीनान के साथ जाएगी, फिर वो इत्मीनान से सहज पके सो मीठा, सहज पके सो मीठा। तो मुझे दो लाइन गुनगुना दीजिए आपके क्लासिक, आपका सॉन्ग जो आप आगे इंटर यूनिवर्सिटी में जाएंगे आप। जा जा रे अपने मंदिर वा, जा जा रे अपने मंदिर वा, जा जा रे अपने मंदिर वा, जा रे अपने, जा 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 रे अपने मंदिर वा। ये हमें कह रही है कि जाओ जाओ जाओ। गोल्डी जी, राग कौन सा है ये? ये राग भीम प्लासी है। ये राग भीम प्लासी है, भीम वो नहीं महाभारत वाला, ये राग भीम प्लासी है। गोल्डी जी परांगत हैं इसमें। और बच्चियां कौन सी हैं? दूसरा है, मैं आप इवेंट में आप सेकंड भी आई ना एक, वो किस में सेकंड रही? तीन में। रागनी और सुनो, राजीव जी रागनी सुन लो। हाँ, राग हो थुमा आवे से अटानी में, मारी चंद्र किरण दुख पारियो धूना ठाले। ओ बाबा जी ओ थुम्मा आवे से अटारी में,
रागनियों भी राग पर आधारित होती हैं। ये कौन सा शास्त्रीय संगीत है साहब? ये लोक संगीत है। लोक संगीत है, तो मैं जानूंगा, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल प्रिंसिपल महोदय से, नीलिमा से भी जानूंगा, निराश मत होइएगा, आपको वन ऑफ द कंटेस्टेंट सारा तो क्रेडिट इनको जाता है पूरा। नीलिमा, आज आसमानी कलर की आपने ड्रेस डाली है, ग्रीन नहीं, इसमें पुट आसमानी भी है। अच्छा, आप जो मर्जी सिलेक्ट कर लीजिए, पत्रकार हैं। हां जी सर। नीलिमा, ये कितना पैशन से इन बच्चों ने काम किया, कितनी पेशेंस से आपने इनसे तैयार किया? सर, बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है और मेरे स्टाफ ने भी, सब ने मेरा साथ दिया और बच्चों की मेहनत तो है ही, प्रिंसिपल सर ने हमारा बहुत साथ दिया और हमारे 31 आइटम्स में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से इंडियन क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा जो मेरे डिपार्टमेंट का है, जिसमें बच्चों ने सितार प्ले किया और भी इंस्ट्रूमेंट प्ले किए, तो बहुत बच्चों की डिवोशन है और टीचर्स की भी डिवोशन। थैंक यू। तितली हिरनी मोरनी कोयल बत्तख मीन, बेटी सृष्टि की बेटियां कितनी शोक हसीन, ये कितनी बस साहब, आप सबको खुशामदीद। डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। 31 इवेंट्स में से आपके 9 बच्चे प्राइज लेके आए हैं और एक तो इंटर कॉलेज में फर्स्ट भी आई है, तो फिर मैं यही कहूँगा कि आपका कॉलेज हॉलिस्टिक पर्सनालिटी के लिए जाना जाता है और चले जाते हैं आपके कॉलेज से हम, अगर इंटर यूनिवर्सिटी में फिर जीत के आए तो फिर बुलाइएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं मेरे अभी तक अजय सैनिक के साथ।